हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन रेडियो। आज ये एक वेब सीरीज का शूट चल रहा है और ये जॉन फिल्म्स प्रोडक्शन का ही शूट है जिसको आप देख रहे हैं। इसमें डायरेक्टर सर इकबाल बख्श पूरा समझा रहे हैं कि सीन कैसे होगा, कैमरा कैसे मूव करेगा। तो ये पूरा फ्रेम है जो आपको दिख रहा है मॉनिटर पे। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्शन है दिल्ली वाला दिल वेब सीरीज की, सनी साहसी प्रोडक्शन है और जिसके लिए जॉइन फिल्म्स प्रोडक्शन इस वेब सीरीज को रेडी कर रहा है। ये जो मार्किंग ली जा रही है एंची टेप से, ये फोकस के लिए ली जाती है। आप क्या कर रहे हो? मैं भी घर पे ही हूँ। अब घर से एक छोटा सा काम शुरू किया है। ओके, तो इसमें हल्का सा मूवमेंट था, देव को बैठना था और शॉट देना था, लेकिन कैमरा का जो प्लेसमेंट था वो प्रॉपर नहीं हो पाया। तो उसमें से एक पाटला निकाला जा रहा है, इसको पाटला बोलते हैं, जो लकड़ी का चीज दिख रहा है आपको, तो उससे हाइट को एडजस्ट किया जाता है। तो कई बार टेक्निकली भी रीटेक लिए जाते हैं। तो एक्टर को बस ये होता है कि बहुत फोकस्ड होना चाहिए। रीटेक बहुत सारे रीजन से हो सकता है और पेशेंस भी होना चाहिए एक्टर में। देखिए आप देव कितने पेशेंस से सारी चीज़ों को देख रहे हैं टेक्निकली। और यहाँ पे डबल कैमरा सेटअप है तो दोनों कैमरा का उनको ध्यान रखना है कि कहीं से भी वो फ्रेम आउट ना हो। ये देखिए इस कैमरे के मॉनिटर पर आप देख पा रहे होंगे कितना क्लोज शॉट है और उनको मेंटेन करना है कि ज़रा सा भी वो बाहर ना जाए। एक बार बस डायरेक्टर साहब देखिए कैसे खुद ही काम में हाथ बटा रहे हैं असिस्टेंट्स का। सामने आशीष हैं जो कि पूरा प्रोडक्शन को हेड कर रहे हैं। आपने प्रोडक्शन के बारे में बहुत सारा सुना होगा। प्रोडक्शन को हेड करना मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो भी वहाँ पे अरेंजमेंट्स चल रहे हैं, इंतजाम चल रहे हैं, वो प्रोडक्शन हेड का काम होता है। और जॉइन फिल्म्स के सारे प्रोडक्शंस जो हैं वो आशीष सर ही संभालते हैं और उनको सभी कुछ आता है। वो डायरेक्शन में भी हैं, कैमरा डिपार्टमेंट, एडिटिंग डिपार्टमेंट, सबको डील किया हुआ है। यहाँ इकबाल बस पूरा करेक्टर के बारे में समझा रहा है कि देव का जो करेक्टर है वो स्पेशली इस सीन में क्या कर रहा है। तो आपने हमेशा सुना होगा मुझसे कि एक्टर को अच्छा लिसनर होना चाहिए। आप देखें रहे थे देव शर्मा कुछ भी नहीं बोल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सुन रहे थे। क्योंकि एक चीज़ आपको सुननी चाहिए, उधर पर आपने देखा सिर्फ एक्टर थे, डायरेक्टर थे, और यहाँ पे देखना है पूरी की पूरी यूनिट। तो कैमरे के सामने एक्टर दिखता है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है और उस मेहनत की रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यह है केतन, फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट, आज एक रियल एक्सपीरियंस ले रहे हैं शूट का। तो फिल्म मेकिंग में ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए उस बीच में शर्ट दिखाने आ गए हैं ड्रेस डिपार्टमेंट के लोग और ये दिखा रहे हैं कि ग्लिटर तो नहीं आ रहा है उस शर्ट पर, और डीओपी सर ने मना कर दिया कि उसमें ग्लिटर आ रहा है, चेंज किया जाएगा उस शर्ट को। इतना बारीक से बारीक चीज़ों को अच्छे से देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे डायरेक्टर सर पूरा बता रहे हैं एक एक आर्टिस्ट को। ये सब जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं जो कि एक रियल एक्सपीरियंस ले रहे हैं और उनको कैमरा एक्टिंग कोर्स करके रीटेक है। ये सभी जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट हैं क्योंकि ये लोग कैमरा फेस कर चुके हैं। तो देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं डायरेक्टर सर की बात। ये सारी एक्सपीरियंस जो होते हैं हम क्लास में ही करवा देते हैं ताकि जब भी शूट पे जाएं तो उनको प्रॉब्लम ना आए। और ये एक रियल उनको ऑन लोकेशन शूट का एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, सीनियर एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और मुझे भी ये फुटेज देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि वो बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं चीज़ों को। ये देखिए कैमरे के सामने सिर्फ दो तीन एक्टर हैं लेकिन कैमरे के पीछे पूरी की पूरी यूनिट। एक कैमरा मूवमेंट में है, एक कैमरा फिक्स है। कैमरा मूवमेंट शॉट्स में इसलिए रखा जाता है ताकि उससे एक लाइवनेस आए और देखने में अच्छा लगे। बहुत ज़्यादा स्टैटिक शॉट, रुके हुए शॉट अच्छे नहीं लगते हैं। सब बॉस को देख रहे हैं। ट्रैक रिटर्न देव जी देख के पूछो वहीं से। ये पूरा ड्रामा बिल्टअप वाला शॉट है। यहाँ पर
वो बताते जा रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, और उसको फॉलो कर रहे हैं बाकी कैरेक्टर। और डी ओ पी सर की जो ट्रॉली चल रही है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है। कट करना। रेडी सर। ये वो फ्रेम है टोटल ओवरऑल कैमरा कैप्चर कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो फीमेल एक्टर हैं उनके पास भी गुंजाइश कम है कि वो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकती, उनको फोकस बिगड़ जाएगा। और बैकड्रॉप में भी जो एक्टर हैं उनको भी ज़्यादा हिलना मना किया हुआ है डायरेक्टर ने। अब ये देव एंटर हुए तो आप देख रहे हैं उनका थोड़ा सा हेडरूम नहीं आ पाया, मतलब सर पूरा नहीं आ पाया, इसलिए इस शॉट को दोबारा लिया जा रहा है। तो इतनी बारीक से बारीक चीज़ों को नोटिस किया जाता है। इस समय उनका मोमेंट प्रॉपर आया, तो इसलिए कहते हैं कि ये कैमरा एक्टिंग है, आपको कैमरा के हिसाब से ही करना होगा। इसलिए जब भी बात उठती है थिएटर एक्टिंग की और कैमरा एक्टिंग की, तो कैमरा एक्टिंग की टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। अब आप देख रहे हैं कितना फेस के पास कैमरा है। अब ऐसा कभी भी आपको थिएटर में नहीं मिलेगा, इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो एज एन एक्टर होता है बहुत चीज़ों का ध्यान होता है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लुक दिया, अब ये ड्रामा बिल्टअप किया, एक एक चीज़ मोमेंट में करनी है। ये शॉट अच्छा हुआ, एक बार जिन्हें सब आर्टिस्ट की तारीफ की, वेरी गुड बोला। तो एक्टर को बड़ा अच्छा लगता है, जिन एक्टर को ऑडियंस बाद में प्यार देती है, एक्चुअली पहले अप्रिसिएशन डायरेक्टर का लगता है। अभी देखिए कितना अच्छा क्रिएटिव शॉट है, बहुत लो एंगल से जमा रहे हैं, करके देख रहे हैं कैसे करना, ये बिल्कुल सीधा लिया। और अब उनके माइंड में आया कि थोड़ा सा उसका एक्सेस चेंज किया जाए तो और ड्रामेटिक लगेगा, तो थोड़ा सा तिरछा किया है फ्रेम को। अब ये छोटी छोटी चीज़ें ऑन लोकेशन ही होती हैं। अब एक्टर को ये एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ये कैसे यूज़ होगा, किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन उसको पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं कैमरामैन के, डीओपी के और डायरेक्टर के। और एक एक्टर को ये पेशेंस रखना ही चाहिए अगर उसको करियर में बहुत आगे जाना है तो। और आप देख सकते हैं कि कैमरामैन का काम कितना क्रिएटिव है, कितना मेहनत वाला है, कितना एंगेजिंग है। जबकि छोटा सा शॉट है, सिर्फ उनको रुक के जाना है, एक एग्जिट शॉट है, उसके लिए भी डायरेक्टर, कैमरामैन, पूरी टेक्निकल टीम बहुत बहुत मेहनत करती है। अगर मूवमेंट ज़्यादा है उस हिसाब से डायरेक्टर साहब समझा रहे हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको एक्टर को भी सारी कोरियोग्राफी और डिज़ाइनिंग बतानी है सीन की, फिर डीओपी को भी बतानी है। अब जैसा उन्होंने डिज़ाइन बताया उस हिसाब से लेंस यहाँ पर चेंज किए जा रहे हैं। आप लोग अक्सर पूछते हैं कौन सा कैमरे पे शूट होता है, अलग अलग कैमरा यूज़ होते हैं। ये कैमरा है ब्लैक मैजिक। आजकल कैमरा के ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसा आपका प्रोजेक्ट है अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। ये जो लेंस फिट कर रहे हैं ये कैमरा डिपार्टमेंट में आते हैं, इनको कहते हैं कैमरा अटेंडेंट या कैमरा असिस्टेंट। ये फ्रेम इन शॉट है, यहाँ पे कैमरे के सामने से सारे एक्टर एंटर हुए हैं। ये फुल लॉक मूवमेंट है, लेकिन सबको मार्किंग और ब्लॉकिंग बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग सब देखिए अपना अपना प्लेसमेंट देंगे। आप समझ पा रहे हो कितना डिस्ट्रक्शन होता है कैमरा एक्टिंग में, सीरियल में, फिल्म में और वेब सीरीज में, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, लेकिन आपको सेल्फ फोकस्ड रहना है और अपने मूवमेंट का, मार्किंग का ध्यान रखते हुए एक्शन शॉट करना। तो देव अगर पूरा मूवमेंट को यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, ये भी देखते हैं कि जो मेन सेंटर ऑफ द इम्पोर्टेंस है, मतलब सीन के हिसाब से उसको मेन ऑब्जेक्ट रखा जाए। जैसे इसमें देव जो मेन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है मेन, तो उनको रखा गया है कैमरे पे उस तरह से, और बाकी को सपोर्टिंग में रखा गया है। तो जैसे जैसे ड्रामा होता है अकॉर्डिंगली पूरा सीन डिज़ाइन होता है, बाद में उनके क्लोज शॉट भी लिए जाएंगे। अब अगेन एक शॉट को समझाते हुए एक बार कि कैमरा कैसे मूव करेगा। ऑन लोकेशन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं हर बार लाता रहता हूँ। ये वीडियो खास तौर से बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि ये हमारी इन हाउस प्रोडक्शन का है। आप सारे ऑन लोकेशन वीडियोस देखिएगा, सीखिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो।